क्या वीरू यहाँ पे बन सकते हैं, क्लच माएस्ट्रो बिकॉज़ आ जाएंगे और इस बार गिल का ग्रेनेड स्पिरो यहाँ पर एक नहीं अपने आप को भी नॉकआउट करेंगे। यहाँ पर टीम फोर आवर के अगेंस्ट पे भिड़ चुका है। यहाँ पर देखो यहाँ पर स्मोक भी किया जाएगा। मीनवाइल अगर गॉडलाइक की मेन लाइनअप की बात करी वो भी यहाँ पे काफी करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, बट एक अच्छा नहीं आएगा। जिगोट को नॉक करा जाता है, जिगोट के साथ साथ पावर को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। इस पावर को सोल प्लेयर 3 के द्वारा फिनिश भी कर दिया जाएगा। नाउ टीम गॉडलाइक अगेन मिलान अप ऑन द बैक फुट, क्योंकि दो प्लेयर्स बचे हुए हैं और अब टीम सोल अटैक कर सकता है बिकॉज उनके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है। जिगोट को फिनिश करा जाता है, बट क्या टीम सोल इस मैच में वो ज्यादा अग्रेसिव बनना चाहेंगे? बिकॉज अगर वो प्लेयर गवाते हैं तो उनके भी बैक फुट पे जाने की सिचुएशन बन सकती है। नेड जरूर चला जा रहा था, बट वीरो क्या एक प्लेयर को नॉक करेंगे, एक प्लेयर को नॉक जरूर करते हुए दूसरी तरफ क्या वीरू यहाँ पे बन सकते हैं क्लच माएस्ट्रो? बिकॉज अभी के लिए टीम सोल बैकवर्ड मैच करते हैं, हैज टू डू इट, बट वीरू एक और नॉक निकालते हुए सोल प्लेयर 3 इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। टीम सोल कुड लूज इट ऑल हियर। स्पिरो टीएसएम का थर्ड पार्टी वहां पर आ जाता है एंड गॉड लाइक एकेडमी लाइनअप उन्होंने तो परेशान करा, लेकिन टीएसएम ने कहां से कितनी दूरी, और ये तो अगर देखा जाए पहले तो कंफर्मेशन निकालेंगे, लेकिन स्पिरो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर भी निकाल चुके हैं। तो अभी जो लीड है वो है टीएसएम के पास और जीतने की संभावना है वो भी टीएसएम के पास ज्यादा जाती हुई। मीनवाइल नियो चलती गाड़ी में आपको आते आपको नजर आए, उनको यहाँ पर नॉक करा गया बहुत आसानी से। एक और सप्रेसर का मैजिक आपको देखने को मिल जाएगा। एक सपोर्ट करते हैं, नियो इज एब्सोल्युटली ऑन फायर, दो फिनिश पहले भी निकाल चुके थे और दो और फिनिश उनको यहाँ पे मिलते हुए नजर भी आपको आ जाएंगे और इस बार फैन के साथ स्नैक को खत्म करा जाएगा। देखिए स्पिरो पैनिंग तो चलती रहेगी, ये तो चलिए एक पार्ट ऑफ गेम सा बन चुका है। आ रहे हो तो जी हाँ, हमने थोड़ा सा पीछे देखा तो इनसेन के खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करते नजर आ रहे। गॉड लाइक चाहती एक अच्छे नोट पे यहाँ पर एंड करे इस इवेंट को, बट वो क्या यहाँ पर कर पाएंगे? लेकिन ग्रेनेड फ्रॉम गिल का ग्रेनेड स्पिरो यहाँ पर एक नहीं अपने आप को भी नॉकआउट करेंगे, और ये क्या कर दिया What? टीम गॉडलाइक ने गिल के ग्रेनेड से गाइस वहां पर दो खिलाड़ी नॉकआउट हो जाते हैं और गिल भी खुद वहां पर नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन इंसेन ऊपर भी आने की कोशिश कर रहे थे और एक्वानॉक्स निंजा अब सर्वाइव कर जरूर रहे हैं, बट कब तक सर्वाइव कर पाएंगे? कुछ प्लेयर्स यहाँ पे नॉक पड़े हैं, शॉर्टने की कोशिश यहाँ पे करी जरूर जा रही है। मैट ने स्पॉट कर लिया है जिगल के साथ बचने की कोशिश, बट नहीं पाएंगे।